लक्ष्मी, मैंने अस्पताल में बात कर ली है, अब पद्मा का एबॉर्शन आसानी से होगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो डॉक्टर को भी मैंने समझा दिया है और हर तरह का इंतजाम भी कर दिया है। अब मेरी चिंता दूर होगी। चिंता खत्म नहीं हुई जेठ जी, और बढ़ गई है। क्या बोलती है? अब ये पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है। अबॉर्शन का कोई फायदा नहीं, सारी दुनिया जान चुकी है कि शादी के मां बनने वाली। तो क्या ये सब इस अखबार में छपा है? हाँ, इस अखबार में छपा है। लिखा है एक्स कॉर्पोरेटर की भतीजी गर्भवती। इतना ही नहीं, और काफी कुछ छपा है इसमें। मैं जानता हूं किस कमीनी की हरकत है। लिखता है पद्मा और उसके दोस्त पिकनिक पर गए थे और वहां पे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और साथ साथ इस अखबार के मालिक को भी नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसी हुई ये सब छापने की? सीमा, परेशान होने से प्रॉब्लम का हल तो नहीं निकलेगा ना? सूरज, तुम इस प्रॉब्लम को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। आज शाम को डैड मेरी किस्मत का फैसला कर देंगे। पूरी फैमिली घर पे आ रही है, और वो एनआरआई लड़का भी जिसे डैड ने मेरे पसंद किया है। सूरज, जब मैंने डैड को अपना फैसला सुना तो जानते उन्होंने क्या कहा? जान से मार डालने की धमकी दी। मेरे डैड के लिए उनकी इज्जत और स्टेटस सिंपल ही सब कुछ है, बेटी तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अगर मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हुई ना सूरज, हम भी जान दे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। कब निकालोगे रास्ता सूरज, कब? एक आदमी हमारी मदद कर सकता है। कौन? मोहन भैया। वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सूरज, मैं मोहन भैया से कभी नहीं मिली हूँ, पहली बार मिलूंगी, और वो भी इस प्रॉब्लम के साथ। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? सीमा, वो जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। पास होना चाहिए अभी। सीमा, पंडित जी की जय हो। तुम फिर यहाँ गए? अरे पंडित जी, ये भगवान कोई एमपी एमएलए या मिनिस्टर तो है नहीं जिसका अपॉइंटमेंट लेकर के आना पड़े, लेकिन आज तो मैं उसके सेक्रेटरी से मिलने आया हूँ। सेक्रेटरी? आप और कौन? देखिए पंडित जी, जो काम भगवान नहीं कर सकता ना, वो आप मेरे लिए कर सकते हैं। तुम्हारे लिए, जो दूसरे की बीवी को अपनी बीवी कहता है। सच कहता हूँ पंडित जी, भगवान के मंदिर में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मीता मेरी पत्नी है, बस आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? तेरे जैसे भिखारी की? क्यों, किस खुशी में? पंडित जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मीता और उसके परिवार वाले इस मंदिर में आते हैं, और आप तो उसके बेटे की शादी भी करवाने वाले हैं ना? अरे शादी ब्याह कराना तो हमारा कर्म है, काम है। तो बिछड़ों को मिलाना भी आपका धर्म है प्रभु। बगैर जाने पहचाने कि तुम हो कौन? पंडित जी, शकल से मैं चाहे भिखारी लगता हूँ, लेकिन जेब से भिखारी नहीं हूँ। ये देखिए, बहुत माल है मेरे पास, रख लीजिए। चाहते क्या? आप तो मुझे मीठा के घर का पता बता। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके परिवार वाले तो यहाँ आते हैं।
उनके बच्चे आते हैं। तो उसके परिवार में से कोई भी जब यहाँ आए ना, आप तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं इशारा कर दूंगा। आप महान हैं प्रभु। किसे मिला आपको? हमें प्रोफेसर मोहन से मिला है। आप कौन? मैं उनका छोटा भाई। आप स्टाफ रूम में बैठिए, मैं देखता हूँ। हाँ जी, हाउ सी यू? सूरज, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन तुम्हें यकीन है कि मोहन भाई हमारी मदद करेंगे? लेकिन सूरज, अगर मोहन भैया मुझे गलत समझ बैठे तो? बहुत समझदार और सोचा इंसान। कैसे सूरज? मैं ठीक हूँ भैया, ये सीमा है। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के जमाने में नमस्ते वाले लोग भी हैं, बहुत अच्छे। तुम लोग खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ जी, प्लीज। आओ सीमा। और सुनाओ सूरज, बहुत दिनों बाद नजर आए। भैया, हमारी एक प्रॉब्लम है। हमारी? हाँ, मैं और सीमा एक दूसरे से प्यार करते। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं? मोहन भैया प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सीमा के डैडी को हमारा मेरा जन्म देखना पसंद नहीं है, तो सीमा की शादी किसी और से करना चाहते हैं। और सीमा क्या चाहती है? मोहन भैया, मैं सूरज के बिना नहीं रह सकती। देखो, इस रास्ते पर चलने वालों को प्रॉब्लम तो आती है, चाहे बाद में आए या मोहन भैया, हम हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हैं। आज शाम को सीमा के डैडी ने उसका रिश्ता पक्का करने के लिए सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हो, या फिर तुम्हारा प्यार आजकल के लड़के लड़कियों की तरह है, सुबह प्यार दोपहर में लड़ाई और शाम को? मोहन भैया, आज के जमाने के जरूर है, लेकिन वैसे नहीं। हम कभी ना जुदा होने के लिए मिले हैं। फिल्में देखकर फिल्मी डायलॉग बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी को समझना, रिश्ते जोड़ना, उन्हें निभाना, कदम कदम पर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना, बहुत मुश्किल है। जवानी आने वाले दिनों पर पर्दा डाल देती है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जब जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं होती, यही सारा प्यार हवा हो जाता है। तो जो आज एक दूसरे में अच्छा लगता है, वही बाद में बुरा बन जाता है। जिंदगी दुखों से भरी होती है। नहीं भैया, मैं सूरज के साथ हर हाल में खुश रहूंगी, लेकिन उस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। मोहन भैया, हमने फैसला कर लिया, हम शादी कर लेंगे, जो हमको देखा जाए। देखो, ऐसे मामलों में अगर घर वालों की मर्जी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं सीमा के डैडी से मिलना चाहूंगा, तुम दोनों भी मिल सकते हो। अगर वो नहीं माने तो? वो नहीं मानेंगे भैया, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर नहीं। तुम दोनों बालिग हो, जानकारी का, लेकिन एक बार मिलने में क्या हर्ज है? लेकिन मेरा ये आखिरी की वजह है। मुझे तुम्हारी पसंद है बहुत खूबसूरत। अरे वाह, द्वारकाधीश की कसम, क्या दुकान है, क्या बढ़िया बढ़िया साड़ी है। मुझे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी, उधर के साड़ी नहीं खरीदती क्या? अरे अपनी पसंद की साड़ी तो मैं कब से पहनती आ रही हूँ, सोचा तुम्हें साथ में लाऊंगी, तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनूंगी। वो जो बनारसी होती है ना, सोने की जरी वाली,
हाँ देखो वो है ना जरी वाली साड़ी, भैया जरा जरी वाली साड़ी निकालो। अरे वो नहीं भाई, नीचे वाली। मतलब एक मिनट, क्या बनारसी साड़ी बहुत महंगी होती है, तुम जानती हो मेरा बिजनेस अभी ठीक से चल नहीं रहा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लो लोग तो शादी से पहले अपनी मंगेतर नहीं तो गर्लफ्रेंड को क्या क्या गिफ्ट दिलाते हैं, तुम एक बनारसी साड़ी नहीं दिला सकते? मैं वही लूंगी, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ए भैया इससे भी भारी वाली बताइए। क्या बात है पूरब बाबू? अब दयाशंकर तुम ही समझाओ ना, मैं साड़ी दिलाने को इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जेब का भी तो सोचो। मैं समझाता। ए गंगा जी बढ़िया एकदम। देख बेटा पूरब बाबू सही कह रहे हैं, ये महंगी साड़ी खरीदने की तमन्ना बाद में पूरी कर लेना, अभी इनका धंधा ठीक नहीं है। चाचा तुम भी इन्हीं का साथ दो है ना, तुम्हें मालूम है ना मुझे बचपन से बनारसी साड़ी का कितना शौक है। ओहो गंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी जेब में पैसे नहीं है। तुम यहाँ यहाँ देख लो, यहाँ पर शिफॉन की साड़ी। चला चाचा बाहर निकालो भाई साहब। तुम्हारे एडिटर साहब है के अंदर? अरे आप लुके अरे अरे तेरी हिम्मत कैसी है? क्या कर रहे हैं? क्या छोड़ रहे हैं? आप क्या करता हूँ? तेरी कैसी हिम्मत? देखिए देखिए पृथ्वी जी आप गलत कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मैं तेरी फेस को आग लगवा दूंगा अगर फिर तुम्हें माफीनामा नहीं छापा ना, तो तुझे और तेरे न्यूज पेपर पे मुझे बदनाम करने का मुकदमा ठोक दूंगा मैं, समझा तू? पृथ्वी जी मैं कोई भी आर्टिकल अगर मुझसे नहीं छापता और आपसे पब्लिक फिगर है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी भतीजी पद्मा के साथ क्या हुआ कैसे हुआ इन सब बातों का एविडेंस है मेरे पास। तुमने क्या किया कैसे किया ये सब मैं रिपीट करना नहीं चाहता, आप तो पढ़ ही चुके होंगे। देखिए ये आर्टिकल छापने का मेरा मकसद आपकी बदनामी करना नहीं था, बल्कि समाज की आंखों से पट्टी हटाना था। आजकल के नौजवान किस रास्ते
ये समाज की आंखें खोलने के लिए तुझे सिर्फ मेरा ही परिवार मिला था क्या? मुझे मेरी सोच और ताकत का अंतर बताता नहीं। भला इतनी है कि कल तू ये माफीनामा छाप दे वरना तेरे ऑफिस की जगह कल तुझे रात का ढेर नजर आएगा। लोग कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे कि किसी जमाने में यहाँ पे कोई प्रेस हुआ करता था, समझा? पृथ्वी जी, इसके लिए मुझे इसमें कुछ तो बहाना सोचना पड़ेगा। बहाने से छाप या जैसे भी छाप, लेकिन कल की अखबार में माफीनामा आना चाहिए, वरना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, समझा? तो चाचा, ये बिहारी जी का घर कौन सा है? यही सामने तो है। ओ, शुक्रिया। नमस्ते, बिहारी जी का घर यही है? हाँ, यही है, लेकिन आप कौन है? जी, मेरा नाम राधा है। मैं आपसे आपके पति के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन वो घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ इस वक्त वो कहाँ है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। दरअसल मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए बहन जी, जाइए यहाँ से। बहन जी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। बहन जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैं वाकई आपकी मदद करना चाहती हूँ। बहन जी बहन जी, मेरी बात सुनिए। बहन जी, क्या है, हम वैसे ही दुखी हैं, क्यों और दुखी करने आ जाते हो?